सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था BSC पेट के बारे में, डाओ मेकर के बारे में और बहुत सारे ऐसे दोस्तों IDO प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, जो दोस्तों वो जब भी कोई IDO आती है तो उस तरह के प्लेटफॉर्म पे आती है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे BSC पेड के बारे में। BSC पेड दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे Binance Smart Chain के जितने भी IDO आते हैं वो मैक्सिमम IDO दोस्तों BSC पेड पे लॉन्च होते हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है जो दोस्तों आपको फॉलो करने होते हैं और उन टर्म एंड कंडीशन को आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपको गारंटेड एलोकेशन मिलती है। जो भी IDO आती है वो एलोकेशन आपको यहाँ पे मिलती है। तो आज की ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप IDO पे इंटरेस्टेड रहते हो, इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। साथ ही दोस्तों हमारी YouTube चैनल में पहली बार आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जहां दोस्तों सभी लेटेस्ट अपडेट इवेंट्स अपडेट आपको जानकारी मिलती रहेगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों जरूर ज्वाइन करना है, जहां दोस्तों सभी तरह के जितने भी इवेंट्स अपडेट होते हैं या फिर ट्रेडिंग के सिग्नल्स होते हैं वो सारे दोस्तों आपको यहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारी वीडियो की टॉपिक। तो यहाँ दोस्तों मैंने BSCPaid.com एक वेबसाइट ओपन की है। BSCPaid जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे IDO लॉन्च होते हैं और उन IDO में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो मैक्सिमम चांस बनता है कि यहाँ से आपको 50x से लेकर 100x तक का रिटर्न आपको मिल जाए। तो IDO दोस्तों बेसिकली पार्टिसिपेट कैसे करते हैं वो दोस्तों हम सब समझेंगे। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं BSCPaid इज द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड IDO प्लेटफॉर्म फॉर द Binance Smart Chain नेटवर्क। तो Binance Smart Chain के नेटवर्क पे जो भी IDO आती है वो दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगी आपको और उसके और यहाँ पे दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करके आप इन IDO को बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वी ऑल प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, बाय ऑन पैनकेक स्वैप का ऑप्शन है, अप्लाई फॉर IDO का ऑप्शन है। वी ऑल प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोजेक्ट अभी जा चुके हैं आने वाले हैं वो सभी प्रोजेक्ट दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेंगे। बाय ऑन पैनकेक स्वैप पे करेंगे तो जो BSCPaid का जो टोकन है वो पैनकेक स्वैप से आप बाय कर पाएंगे। अप्लाई फॉर IDO का करेंगे तो अगर आप कोई IDO आप लॉन्च करना चाहते हो तो उस IDO का डिटेल्स देके आप BSCPaid पे रजिस्टर भी करवा सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई IDO है, किसी तरह का कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आपके पास है तो उस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर BSCPaid पे दोस्तों आप चाहो तो यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हो। ठीक नीचे आप देखेंगे ज्वाइन अस टेलीग्राम को, मीडियम और ट्विटर को आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि BSCPaid के पार्टनर कौन है तो यहाँ पर देख सकते हैं चेनलिंक, फेरम नेटवर्क, बॉन्डली। तो कुछ बड़े बड़े जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है या फिर जो बड़े बड़े जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं वो सभी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मार्केट को इफेक्ट करते वो सभी इसके पार्टनर हैं। अबाउट अस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो बेसिकली दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरह से आप इसके IDO पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ दोस्तों मैंने व्यू ऑल प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देख सकते हो रिवोमोन, डार्ट इंश्योरेंस, तो ये सभी दोस्तों IDO अभी आने वाले हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये सब प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी हम यहाँ पर लोगों को दे चुके हैं। HPA रेज नेटवर्क, ऑक्सन, AOS, तो ये सभी दोस्तों यहाँ पर अब क्लोज हो चुके हैं। इसके टोकन भी दोस्तों चाहो तो आप बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म पे ऑक्सन और AOS के टोकन काफ़ी हमें अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल वो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो जैसा कि पार्टनर मैंने बता दिया था, अब सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर ये जानेंगे कि अगर आप इसके जो राउंड होते हैं, जो मतलब दोस्तों इसके जो IDO होते हैं उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों दो तरह का राउंड यहाँ पे चलता है इसके IDO पे पार्टिसिपेट करने के लिए। पहला राउंड वन यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे दोस्तों कुछ स्टैकिंग आपको करनी पड़ती है। स्टैकिंग रिक्वायरमेंट ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ठीक थी नीचे आप देखेंगे प्लेटिनम, डायमंड, कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर, मतलब छह तरह के दोस्तों आपको रैंक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम ब्रॉन्ज के बारे में बात करें तो स्टैकिंग रिक्वायरमेंट आपको 1000 BSCPaid टोकन का दोस्तों आपको BSCPaid की जो टोकन है वो 1000 टोकन को आपको यहाँ पर स्टैकिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप ब्रॉन्ज के रैंक पे आएंगे और ग्रांटेड एलोकेशन मिलेगी और साथ में दोस्तों पूल वेटेड होगी आपकी 10। और दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी यहाँ पर आपको करनी होगी, जैसे कि व्हाइट लिस्ट रिक्वायरमेंट हो यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, लाइक, कमेंट और रिट्वीट आपको करना है। जो इसके जो भी दोस्तों यहाँ पर टास्क आपको दी जाएगी उसमें दोस्तों लाइक करना है, कमेंट करना है, रिट्वीट करना है। सिल्वर में दोस्तों 2500 टोकन को आपको यहाँ पर स्टेकिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों लाइक, कमेंट, रिट्वीट करनी है व्हाइट लिस्ट में और ग्रांटेड एलोकेशन मिलेगी यस यहाँ पर लिखी हुई है। पूल वेटेड 30 है। इसकी भी दोस्तों मैं आपको अभी एग्जांपल में बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। और स्टेकिंग रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं 5000 टोकन अगर आप यहाँ पर स्टेक करते हैं तो यहाँ पर आप
किसी तरह की आपको व्हाइट लिस्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, गारंटेड एलोकेशन मिलेगी। पूल वेटेड आपकी यहाँ पर 65 की आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा दोस्तों और नीचे आएंगे तो प्लैटिनम का रैंक मिलेगा, जहाँ 10,000 टोकन को आपको यहाँ पे स्टेक करने और 145 का पूल वेटेड मतलब दोस्तों जितना ज़्यादा आपका टोकन होगा उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे जो टोकन होगी या फिर जो आईडी होगी वो आपको मिल सकती है। डायमंड के बारे में बात करें तो 25,000 टोकन आपको यहाँ पे स्टेक करने होते हैं। कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपकी अच्छी खासी कम्युनिटी है तो भी दोस्तों आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे पूल वेटेड सेपरेट बोनस पूल यहाँ पर, मतलब दोस्तों कम्युनिटी के लिए भी अलग से यहाँ पे कुछ जो भी आईडी होते हैं वो अलग से सेपरेट यहाँ पर रहते हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों राउंड टू के बारे में। राउंड टू के बारे में बात करें तो FCFS यहाँ पर इसका मतलब ये होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है दोस्तों फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब दोस्तों आपको इसमें बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यही वही पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं जो दोस्तों यहाँ पर अपनी टोकन को यहाँ पर दोस्तों अपने टोकन को यहाँ पर स्टेक किए हों। इसे दोस्तों अच्छे से समझने के लिए हम लर्न मोर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नई इंटरफेस हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ दोस्तों क्या क्या बताया जाता है वो दोस्तों हम यहाँ पे समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये समझना है किस तरह से यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटर होती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है आईडियो को। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ब्रॉन्ज में आपको 1000 टोकन आपको स्टेक करने पड़ते हैं। अगर इसे टोकन की प्राइस हम देखें तो कोइन मार्केट कैप में आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों समथिंग $5 का प्राइस इसका चल रहा है, मतलब 1000 अगर आप टोकन आप यहाँ पर स्टेक करते हैं तो लगभग $5,000 का टोकन आपको यहाँ पर स्टेक करना पड़ेगा। ये दोस्तों जब यहाँ पे $4.2 की चल रही थी तभी दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि आप इसे बाय कर सकते हैं। तो अच्छा भी दोस्तों अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे हमें देखने को मिल चुकी होगी अगर आपने बाय किया होगा, क्योंकि $1 का प्राइस तो ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। अब हम बात करेंगे किस तरह से ये टोकन डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1000 टोकन को मतलब $5,000 का लगभग आपको यहाँ पे स्टेक करना पड़ेगा, तब आप और 7 डेज के लिए आपकी स्टेक रहेगी। मतलब मान लीजिए कि कोई अगर आईडियो आपको लॉन्चिंग हुई है तो उस लॉन्चिंग के 7 दिन तक, मतलब 7 दिन पहले से लेकर आपको यहाँ पे जो भी इसके टोकन है वो दोस्तों आपको यहाँ पर स्टेक करने पड़ेंगे। और अगर आप यहाँ पर देखिए सिल्वर में तो मैंने आपको बताया था 2500 टोकन को, गोल्ड में आपको 5000 टोकन आपको स्टेक करने पड़ेंगे, प्लेटिनम में आपको 10,000 करने पड़ेंगे, डायमंड और कुछ और भी दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, कुछ और भी हो सकता है रिंक आपको देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर स्टेकिंग की बात करें तो ब्रॉन्ज को 7 दिनों के लिए, सिल्वर को 7 दिन, गोल्ड को 7 दिन, प्लेटिनम को 7 दिनों का दोस्तों आपका जो भी टोकन होगा वो स्टेकिंग पे रहेगी। यहाँ पे वर्क के बारे में बात करें तो ब्रॉन्ज और सिल्वर के लिए लाइक ट्वीट और कमेंट का दोस्तों यहाँ पर कुछ वर्क होगा। अब बाकी का जिसके गोल्ड और प्लेटिनम यहाँ पर रैंक है उनको दोस्तों किसी तरह का यहाँ वर्क नहीं दिया जाएगा। लोकेशन जो मिलेगी दोस्तों, मतलब जो आईडियो का लोकेशन मिलेगा वो ग्रेंटेड मिलेगा, लेकिन कम मिल सकती है। कम के बारे में बात करें तो अगर आप ब्रॉन्ज पे हैं तो मिनिमम दोस्तों आपको हो सकता है $50 या $40 का आपको आईडियो यहाँ पर मिल जाए, लेकिन अगर आपको $50 या $40 का भी आईडियो मिलता है तो भी दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। क्योंकि अगर आईडियो के बारे में बात करें तो लगभग दोस्तों 100% तक का गेन, 200% तक का गेन हमें देखने को मिल चुका है। तो ऐसे में अगर $50 का आप 100% के गेन पे ही अगर सेल करते हैं तो लगभग आप यहां पर देख सकते हैं $50 का आपका ये टोकन $5,000 बन सकता है, अगर 100% का भी गेन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ब्रॉन्ज भी यहाँ पे लेते हैं तो कोई गलत नहीं है। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो BSC पेड का टोकन आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे इसके यूजेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे होल्ड करेंगे। और जाहिर सी बात है जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे होल्ड करेंगे तो डिमांड सप्लाई की जो रूल्स होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई होगी, और दोस्तों डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ यहाँ पे टोटल दोस्तों जितने भी किस हिसाब से लोगों को ये टोकन मिल सकता है एज एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग अगर आप ब्रॉन्ज पे रहते हैं तो लगभग $50-$40 का आपको टोकन यहाँ पे मिल सकता है, और कुछ प्राइस के ऊपर डिपेंड होती है कि टोकन का प्राइस कितना चल रहा होता है, क्योंकि जो भी आईडियो आती है उस आईडियो का अगर हम प्राइस की बात करें तो 0.1 मतलब 10 सेंट से लेकर 25 सेंट तक का प्राइस होता है। और अगर इसके अप के बारे में बात करें, फ्लाई के बारे में बात करें, तो लगभग लोगों काफ़ी अच्छा हाई यहाँ पे बनाती है, कभी करीबन $16-$17 का भी कभी कभी हाइप बना देती है। अब हम बात करेंगे राउंड टू के बारे में। ऑलरेडी मैंने बताया था राउंड टू में दोस्तों जब
टोकन अनसोल्ड होते हैं, मतलब दोस्तों राउंड वन चलती है वहाँ पे, मान लो कि 10 लाख टोकन वहाँ पे सोल्ड करने हैं राउंड वन पे, लेकिन किसी कारण से 10 लाख टोकन वहाँ पे सोल्ड नहीं हुए हैं, वहाँ पे लगभग मान लो कि 9 लाख ही टोकन वहाँ पे सोल्ड हुए, तो जो 1 लाख टोकन बचे हैं वो दोस्तों राउंड टू पे चले जाते हैं। राउंड टू में भी दोस्तों लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब राउंड टू की क्रिटेरिया हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं, नॉट एवरी इंडिविजुअल विल फुलफिल देयर फुल एलोकेशन, यूजर विल हैव टू 23 आवर्स टू क्लेम देयर राउंड वन। तो 23 आवर्स के अंदर में पहले आपको राउंड वन आपको क्लेम करना पड़ता है। अब यहाँ पर भी दोस्तों उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, इनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है जिनके फंड बने हैं, मतलब जो ज़्यादा टोकन यहाँ पे स्टेक करके रखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं प्लेटिनम कैन क्लेम द न्यू एलोकेशन इमीडिएटली, मतलब जो प्लेटिनम का रैंक है वो बहुत जल्दी उसको यहाँ पे जो सेकेंड राउंड का जो यहाँ पे एलोकेशन हमें देखने को मिल रहा है वो प्लेटिनम जल्दी कर सकता है। गोल्ड के बारे में बात करें तो वो 15 मिनट में वो भी यहाँ पर एलोकेशन ले सकती हैं। सिल्वर को यहाँ पर 30 मिनट का टाइम लग सकता है, ब्रॉन्ज को 45 मिनट का लगभग टाइम लग सकता है। तो इतने टाइम के अंदर में दोस्तों फिर से मौका मिलता है, अगर आपका अगर टोकन अनसोल्ड होती है तो फिर से वो चाहे तो वहाँ पर बाई कर सकता है। तो ये दोस्तों सिस्टम है कुछ यहाँ पे टोकन बाई करने का, और जो भी दोस्तों आइडिया आती है उसे बाई करने का। अब बात करें कुछ ना समझ माने की, तो अगर कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊं कि जब तक दोस्तों आप इसके प्रैक्टिकल में शामिल नहीं होंगे, जब तक आप खुद से इसे बाई नहीं करेंगे, खुद से दोस्तों इसके जो भी इसके प्रोसेस उसे आप नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों थोड़ा थोड़ा आपको इशू यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए। कुछ जरूरी डिटेल्स, जैसा कि दोस्तों अगर आप इसके टोकन को बाय करना चाहते हैं तो किस तरह से बाय कर सकते हैं, सिंपल दोस्तों कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कनेक्ट वॉलेट पर आप क्लिक करेंगे तो मेटामास्क का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको मेटामास्क आपके जो भी पीसी वगैरह है उसमें दोस्तों इंस्टॉल होने चाहिए। किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया था, तो सिंपल दोस्तों इस वीडियो का आपको देख लेना है। मेटामास्क में दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। कनेक्ट यहाँ पर बोला जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मेटामास्क में ये यहाँ देख लें कि वो जो मेटामास्क है आपका वो तो इथेरियम बेसिक पे इथेरियम के नेटवर्क पे सिलेक्ट की हुई है या फिर दोस्तों बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पे सिलेक्ट की हुई है। तो यहां पर दोस्तों आप क्लिक करके यहां पे इस एरिया पे क्लिक करके आप अपने वॉलेट को ऐड कर सकते हो जो, और इसके टोकन को बाय करने की बात करें तो सिंपल बाय ऑन पैनकेक स्वैप पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसा कि ऑप्शन आपको देखने को मिला है आपके पास आई अंडरस्टैंड इसे आप करते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपके पास BNB होना चाहिए, उसके बाद BSC पेड आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट करके भी देखता हूँ कितने, जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि 1000 टोकन हमें चाहिए थे, कितने BNB आपको लग सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 10.5973 BNB के अभी फिलहाल जो रेट चल रही है उस हिसाब से आपको इतने की BNB जरूरत पड़ेगी अगर आप 1000 BSC पेड यहाँ पर खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों स्वैप करके आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, 7 डेज तक आपको होल्ड करना है, तभी दोस्तों आपको नेक्स्ट जो IDO आएगी उसमें दोस्तों आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के देखने के बाद आप BSC पेड की कुछ कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो गई होगी। बाकी दोस्तों जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और कुछ चीज़ें दोस्तों आपको समझ में नहीं आए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जहाँ दोस्तों आप मुझसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ दोस्तों मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।